हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय अमेज़न शॉपिंग हॉल, और इसमें मैंने लिए हैं बहुत सारी क्लोथिंग आइटम्स, शूज, वॉलेट्स एंड व्हाट नॉट। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया है और आप कौन सा ट्राई करना चाहेंगे। फिलहाल जो आप ये मुझे आउटफिट पहने हुए देख रहे हैं, ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया है एंड मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो अगर इनका डिटेल रिव्यू देखना है तो वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, बट इससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है बेल आइकन, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, बिकॉज उसको क्लिक करने से आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी किसी भी नई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के हॉल को एंड देख लेते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में है वो है ये। मैंने एक वॉलेट लिया था बिकॉज हम लड़कियों के पास वॉलेट जितने भी रहे कम होते हैं एंड मेरे पास भी है ऑलरेडी, बट काफ़ी बड़े साइज में थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा होना चाहिए जो कभी आपको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अगर जाना पड़े तो ऐसा कुछ हैंडी होता है। तो मैंने एक ये छोटा सा वॉलेट ऑर्डर किया है एंड बहुत प्यारा सा इसका मॉव पिंक सा शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये इस तरह से जिपर से खुलता है एंड ये यू गेट द आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आप कैरी कर नहीं सकते इसमें चीज़ों को, लेकिन यस इसमें स्पेस दिया हुआ है, अगर आप कार्ड्स रखना चाहें तो रख सकते हैं, यहाँ पे आप सिक्के रख सकते हैं अपने। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव परचेज। तो ये बहुत छोटा सा वॉलेट है एंड इन सभी प्रोडक्ट्स जो भी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ उनके प्राइसिंग और कपड़ों में क्लोथिंग के साइजेस जितने भी होंगे वो सब मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इन केस अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है, आपको लेनी है, तो इन सब के बाइंग लिंक्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप क्लिक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। सो या दिस वॉज द फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस शू, और ये मैंने जूते लिए हैं, ये लेडीज़ के लिए हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ग्रे एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है ये। ये गर्मियों के लिए मुझे काफ़ी पसंद आए और इसे मैंने एक साइज़ बड़ा ही लिया है बिकॉज इसके साइज़ चार्ट में कुछ ऐसा कुछ तो लोचा था सेंटीमीटर्स में, तो मैंने एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा लिया। रीज़न जिससे कि मैं इसे अगर अपने सॉक्स वगैरह के साथ पेयर करती हूँ तो ये कहीं से भी ढीला ढाला ना हो और टाइट ना हो, बिकॉज अगर कभी कभी नेल्स बड़े होते हैं तो वो बहुत दबते हैं। एंड पीछे ये सोल भी काफ़ी अच्छा मिल आता है, लोकल जैसा कुछ भी नहीं है, काफी फ्लेक्सिबल सा है एंड ये कपड़े का है, सबसे अच्छी बात ये है, तो प्लास्टिक नहीं है कुछ भी इसमें, ये सब कुछ कपड़े का है, तो ये काफी कंफर्टेबल होगा, आप वॉश कर सकते हैं इसे। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज और काफी मुझे अच्छा लगा। बिना सॉक्स के पहनने पे मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है, इसमें मैंने साइज 6 लिया है, जब मैं इसमें सॉक्स वगैरह पहनूंगी तो मुझे ये ठीक ठाक लगेगा। तो नेक्स्ट में क्लोथिंग की बात करते हैं, तो ये है मेरा पहला टॉप जो मैंने परचेज किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये मैंने लिया है रस्ट ऑरेंज कलर में एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड हर्पा, और हर्पा के बहुत सारी क्लोथिंग आइटम्स आपको अमेज़न पे मिल जाएंगे। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, कॉटन है तो ये आपका स्वेट एब्जॉर्ब करेगा एंड थोड़ा सा ना जो शोल्डर पे आपको ये पफ स्लीव्स का डिज़ाइन मिल जाता है, इससे काफ़ी अच्छा सा एक स्टाइल ऐड हो जाता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको अटैच कर दूंगी किस तरह से लग रहा है ये पहनने में। इसमें मैंने जो साइज़ लिया आई थिंक स्मॉल साइज़ है, यस स्मॉल साइज़ है एंड ये मुझे फिटिंग में काफ़ी अच्छा आया है, लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल मुझे क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो दिस वॉज द नेक्स्ट परचेज जो मैंने किया है एंड ये मुझे काफ़ी 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 पसंद आया है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है ये टॉप जो मैंने लिया है एंड ये बहुत ही प्यारा सा कूल सा ब्लू कलर था, बट इसके साथ ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके जो स्लीव्स हैं ना वो देखिए कितने बड़े स्लीव्स हैं, मतलब ये साइज़ है, तो मैं अगर पहनती हूँ ना तो यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा शो करेगा एंड आपके इनर्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हैं, लाइक आई फील, मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ शो करने में, तो मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आई माइट रिटर्न, बट अभी के लिए कलर इज़ वेरी कूल, बहुत प्यारा कलर है एंड कपड़ा इज़ नॉट कॉटन, शायद पॉलिस्टर वगैरह है, बहुत फ्लोई कपड़ा है। गर्मियों में आपको ऑब्वियसली इसको पहनने में उतना कंफर्ट नहीं फील होगा, बट क्योंकि लूज लूज है तो एयरी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो दिस वॉज द नेक्स्ट परचेज दैट आई डिड एंड इसके बाद भी एक मैंने टॉप लिया है एंड यस दिस इज द नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है एंड ये बहुत ही प्यारा सा सी ग्रीन जैसा कलर है एंड कॉटन है, प्योर कॉटन है, ये इसकी स्लीव्स हैं, लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा सा है, तो ये शॉर्ट कुर्ती आप कह सकते हो जो जीन्स वगैरह पे आप पहन सकते हैं,
बहुत ही कंफर्टेबल है। ये भी मैंने थोड़ा सा लूज लिया है जिससे कि मुझे एकदम फिटिंग का ना आए और गर्मियों में काफ़ी आरामदायक रहे। पीछे साइज मैं आपको बताती हूँ, साइज इज एस साइज, इसमें मैंने एस साइज लिया है और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा ट्रांजी है तो आपको मुझे लगता है इनर्स डेफिनेटली पहनने ही चाहिए, बट अगर आप इतने कॉन्शियस नहीं हो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, इतना भी ट्रांजी नहीं है। बट आई थिंक कि लाइट वगैरह में हो सकता है थोड़ा बहुत झलझला सा लगे। तो ये था नेक्स्ट परचेज जो मैंने किया है एंड सबके मैं प्राइसेस जो हैं वो मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देख लीजिएगा। स्लीव्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, 3-4 स्लीव्स हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज एंड इसके बाद जो एक टॉप है वो इन सब में मुझे एक्चुअली कलर वाइज बहुत पसंद आया है। कलर इसका बहुत बहुत प्यारा है और ऐसा कलर आज तक मैंने अभी तक नहीं पहना है। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉप और वीडियो में मे बी आपको ये कलर उतना प्यारा मैं जो दिखा रही हूँ ना समझ में आए, सो आई एम अटैचिंग द ट्रायन दे रही हूँ। इस तरह से ये कुछ है और ये ना हल्का सा लैवेंडर का इसमें टच है और हल्का सा ब्लू टच है, प्योर लैवेंडर भी नहीं है बट ब्लू भी नहीं है कम्प्लीटली, दोनों का एक्चुअली मिक्सअप है। बट ये बहुत प्यारा सा है एंड ये भी काफ़ी एयरी है, कॉटन नहीं है। 3-4 स्लीव्स मिल जाते हैं एंड स्लीव्स पे आपको यहाँ पर वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, इलास्टिक मिल जाएगा जिससे कि ये आप अपने साइज जो भी आपका साइज है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। और आगे आपको ऐसे थ्रेड्स मिल जाते हैं बांधने के लिए और नीचे आपको ना बटन्स की डिटेलिंग दी हुई है, वो भी कपड़े वाले बटन्स हैं, तो बहुत अच्छे से ये डिफाइन करता है सब चीज़ों को। और इसका लुक जो है ना ओवरऑल मुझे पहनने के बाद बहुत बहुत पसंद आया। काफ़ी फ्लोई कपड़ा है, मतलब आपको प्रेस वगैरह करने की झंझट नहीं है, मतलब आपको जाना है फटाक से रेडी होना है तो आप ये डालो और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह का कपड़ा है, बहुत प्यारा है, मुझे कलर बहुत पसंद आया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं पहन रखी हूँ, दिस इज़ अ पूरा होल सेट जो कि पेपलम टॉप है और नीचे आपको बटरफ्लाई वाला जो आजकल धोती पैंट चले हैं ना वैसा आपको मिल जाएगा। लुक मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ। कपड़ा कॉटन वंस अगेन नहीं है, रेयॉन कपड़ा है एंड इस पे ना गोल्ड प्रिंट्स हैं, ऐसे फॉइल प्रिंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आई थिंक वॉश करने के बाद, हो सकता है 2-3 वॉश के बाद निकलने लगे। आई एम स्वेटिंग बिकॉज फैन मैंने बंद कर रखा है, वीडियोस में वॉइस प्रॉब्लम ना हो इसलिए। बट ओवरऑल मुझे स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा है, अगर आप अच्छा मौसम हो रखा है तो आप ये पहन सकते हैं। सिर्फ मैं मौसम को इसलिए डेडिकेट कर रही हूँ बिकॉज इस समय मौसम जो हो रखा है उसमें ये सारे कपड़े बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, एटलीस्ट यूपी में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ बिल्कुल भी नहीं। बट ओवरऑल ये कपड़ा भी मुझे और इसकी डिजाइनिंग साइज जो है वो भी मुझे ठीक ठाक आया है। इन सब चीज़ों के बाद मैंने लिए कुछ दुपट्टे, बिकॉज दुपट्टे ऑब्वियसली अगर आप इंडियन गर्ल हैं तो आपको ढेर सारे दुपट्टे चाहिए होते हैं, बिकॉज हर आउटफिट के साथ अलग अलग सूट के साथ और थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करने के लिए चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट ये मैंने लिया है पीच कलर का दुपट्टा, दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसमें इस तरह से ना आपको वो मिल जाता है, सॉरी उल्टा दिखा रही थी मैं आपको, तो ये आपको इस तरह से कुछ लेस मिल जाता है एंड देन यहाँ पे रफल इसी कलर का आपको मिल जाएगा एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका जो स्टिचिंग है वो हो रखा है एंड अंदर आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गोल्ड की लाइनिंग दिख रही होंगी जो आपको क्या आप चेक फॉर्म में दिख रही होंगी। तो ये पूरे दुपट्टे पे है, लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा है, मतलब 2.25 मीटर तक का दुपट्टा है एंड मेरी हाइट के हिसाब से आई एम 5 feet 2 inch, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी बात ये इसे प्रेस नहीं करना है, शिफॉन में है बट सिंस इस पर थोड़ा सा ये वेट आ गया इसकी वजह से इसलिए बहुत ज़्यादा उड़कने वाला दुपट्टा नहीं है, तो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट मैंने एक दुपट्टा लिया है जो कि है रॉयल ब्लू कलर में, दिस वन, एंड ये भी मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे आपको डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, मतलब सैटिन का सेम कलर का रॉयल ब्लू कलर का अटैचमेंट है एंड उसके ऊपर ऐसे गोल्डन मोतियाँ लगी हैं एंड बाकी पूरे दुपट्टे में आपको इस तरह का गोल्डन वर्क मिल जाएगा। ये भी पूरा शिफॉन का दुपट्टा है बट सिंस इसमें यहाँ पर इसकी वजह से गोटे की वजह से थोड़ा बहुत लेस की वजह से जो भी आप कह लीजिए वेट आ गया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उड़ने वाला या फ्लोई फ्लोई वाला नहीं होगा। एंड इन सब दुपट्टे की खास बात ये होती है ना कि इनको आपको प्रेस नहीं करना पड़ता है, तो आपको कहीं भी जाना है फटाक से डाला और आप निकल लिए, दुपट्टा प्रेस करना ना सबसे बड़ा हेडेक होता है एंड आई डोंट लाइक। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज एंड देन आई गॉट दीज टू दुपट्टास जिनका मैंने पहले भी यूज किया है अलग अलग कलर्स, मुझे ये बहुत पसंद है।
वेट वाइज, कलर वाइज एंड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत पसंद है. तो ये एक फर्स्ट है मेरा व्हाइट कलर का दुपट्टा. इस पूरे पे आपको ना व्हाइट थ्रेड का वर्क मिल जाएगा, जस्ट लाइक कह सकते हो आप, बट है नहीं, चिकनकारी का थोड़ा बहुत कारीगरी की गई है, बट ये चिकनकारी नहीं है, इट्स नॉट प्योर. एंड व्हाइट में ना आपको यहाँ पर देखिए आप लेस मिल जाता है, सैटिन का लेस जैसा मिल जाएगा, इसकी वजह से इसमें भी काफी अच्छा फ्लो आ जाता है. एंड लेंथ वाइज ये भी 2.25 मीटर से ज्यादा का है, आई थिंक पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा है. एंड कलर एंड सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है. तो एक ये वाइट दुपट्टा तो ऑब्वियसली सबके पास होना ही चाहिए. एंड रेड, दिस इज अनदर वन. मैं कॉटन का इससे पहले यूज कर रही थी, बट कॉटन में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, बिकॉज बार बार आयरन करो वो मेरे बस का नहीं है, दुपट्टे मैं नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने ये दो मंगाए. और इसमें भी आपको सेम वैसे ही रेड कलर का सैटन का लेस मिल जाता है एंड पूरे पे आपको वैसे ही थ्रेड वर्क मिल जाएगा जैसा कि मैंने व्हाइट में दिखाया सेम. एंड लेंथ वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड कहीं पे भी कोई डिफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात. सो यार गर्ल्स, दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजन. और ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से या रैंडमली पिक किए हैं, बट मुझे बहुत पसंद आए हैं, एक्सेप्ट वन प्रोडक्ट जो कि ये वाला टॉप है, बिकॉज इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. अदरवाइज दिस टॉप इज ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड द कलर इज वेरी कूल. अगर आपको एक अच्छे कलर, ब्लू कलर, मतलब ऐसे कलर जल्दी मिलते नहीं है नॉर्मल मार्केट में या फिर ऑनलाइन जल्दी, तो ये कलर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट सिंस इसका स्लीव्स काफी बड़ा है, डीप है, तो इट विल शो योर इनर्स, तो मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आया. रेस्ट सभी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं एंड आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन सभी चीज़ों में आपको क्या पसंद आया है एंड आप क्या चाहेंगे लेना. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग एंड प्लीज़ येस कॉमेंट कर देना एंड लाइक कर देना यार इस वीडियो को. बाय बाय.